We are starting the sixth question of exercise 12.2 class 10th हमारा chapter 12 चल रहा है और ये accord of a circle of radius 15 centimeter आप एक circle बनाइए brother जरूर बनाइए figure जरूर बनाए करो बिना figure के solve नहीं करो accord of a circle of radius 15 centimeter यहाँ पर आप एक chord बनाइए और ये 15 centimeter आपके पास है subtend ये एक एंगल बना रही है 60 डिग्री यहां पर आपके पास ये सेंटर है और यहां पर ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसबॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल है वो आपने बताने और यहां पे रेडियस थी रेडियस 15 सेंटीमीटर तो आप यहां पे कोर्ड पे नहीं रेडियस पे लिखिए भाइयों 15 सेंटीमीटर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहां पे देखिए अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट तो माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना बड़ा आसान काम है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब आपको ये निकालना है तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल है भाइयों अब आपको याद हो चुका होगा जो आपका सेक्टर का एरिया है ना उसमें से आप इस ट्रायंगल को कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मैंने जो आपको समझाया है वो वाला ट्राइंगल उस तरह से समझना है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर ये रखो बहुत सिंपल होता है टेंशन ही खत्म कैलकुलेशन ही खत्म ठीक है तो थीटा कितना आपके पास यहाँ 60 है अपॉन में 360 और ब्रदर पाई कितना होता है इसने बोला हुआ है 3.14 लेना है तो चलिए इसकी बात मान लीजिए और लीजिए आप 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर आपके पास है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1/2 साइन 60 आपके पास है और यहां पर 15 मल्टीप्लाई 15 समझ रहे हैं देखिए सर इसमें और इसमें क्या कॉमन है 15/15 ये जो 15 मल्टीप्लाई 15 है ना मैंने बाहर ले लिया और 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 225 225 तो 225 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा है इसे कैंसिल करिए 6 1 6 6 3.14/6 -1/2 और साइन 60 कितना होता है याद है ना √3/2 और 2 पहले भी यहां पर है वैसे लिखूंगा ना 2 × 2 तो कितना हो गया मेरे पास ये आ गया है 4 आप यहां तक मेरी बात समझ रहे हैं अब आपको इसे सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि आप ऐसा करना ब्रदर कि इसमें से ना आपको 225 मल्टीप्लाई आप √3 की वैल्यूज रख लेना यहां √3 कितना दिया उसने 1.73 आप इसको 6 से डिवाइड करना इसको 4 से डिवाइड कर लेना डिवाइड करने के बाद माइनस करना जो आएगा उसको यहां पर लिखना समझ रहे हो उसकी 225 से मल्टीप्लाई करना ब्रदर इसका आंसर 20.43 एंड समथिंग कुछ और आता है वो आप रख लेना लगभग इतना है 20.43 ठीक है तो ये समझ में आया माइनर सेगमेंट आपके पास आ गया है तो मेजर सेगमेंट आपको अब निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप पता है क्या करेंगे आपके पास जो माइनर सेगमेंट था कितना था वो याद रखना माइनर सेगमेंट आपका निकला था 20.43 इसको याद रखना है आपको तो मेजर सेगमेंट कौन सा होगा मेजर सेगमेंट होगा आपके पास ये वाला हिस्सा ये लीजिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ये लीजिए ये वाला हिस्सा ये कहलाता है मेजर सेगमेंट तो आपको ये मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे मेजर सेगमेंट आप निकालने के लिए क्या करें आप सर्कल का एरिया निकाल लो और सर्कल का एरिया में से जो माइनर वाला आया था ना 20.43 उसको माइनस कर लो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्त खंड दीर्घ बड़ा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल सर्कल का एरिया निकालिए माइनस कर लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और ये माइनर वाला कितना आया था 20.43 आया था ना तो पाई कितना रखिए वो बोल रहा है आपको 3.14 और आर का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है आपके पास 225 ये आपके पास आ गया 225 होता है अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए आपके पास कितना आ गया 7 06.5 और माइनस करिए 20.43
इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो समथिंग 686.06 लगभग इतना आपके पास ये 647 कुछ इतना आपके पास ये आ जाएगा। थोड़ा सा आप पॉइंट के बाद एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेना, वैसे ये भी बिल्कुल अप्रोक्सीमेट है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, आप इसे सीख भी चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर सच में आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या मेरी जो मेहनत है इसके लिए थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप ओनली 1 रुपी सेंड कीजिए मेरे पेटीएम नंबर पे। ये मेरा पेटीएम नंबर है, इसमें केवल आपको 1 रुपी सेंड करना है, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू।